बर्तन केक प्रैंक। मथुरा नगर में पप्पू नाम का एक शराबी हुआ करता था। वो हमेशा बार में रहकर शराब पीते रहता था। फ्रेंड्स कोई वो बार के आगे से जाते तो उन्हें छोड़ता नहीं था किसी तरह पैसे निकलवाना, वरना उन्हें बार में खींचना, ये सब करता था। एक दिन गांव का प्रेसिडेंट पटवारी को पप्पू और उसके दोस्तों के बारे में पता चला। इससे उस गांव में बार ही निकलवा देंगे, यूं पटवारी ने सोचा। वो बातें सुनकर पप्पू और उसके दोस्त पटवारी के पास आए। पप्पू भाई, उस दिन बार के पास पैसे निकलवाए वो मेरी ही गलती है भाई, लेकिन ये छोटी बात के लिए गांव से बार निकलवाने की सोचना गलत है भाई। मैं मेरे दोस्तों नहीं पीने की सोच भी सकते हैं, लेकिन वो लोग जो हमेशा अपनी जिंदगी ही शराब को ही समर्पित कर दिए, उनका क्या होगा भाई। हम तो उनके सामने बच्चे है भाई, वे तो लेजेंड्स है। अगर शराब की बूंद अंदर नहीं गई तो वे मर जाएंगे भाई। शराब से ही जागते हैं, शराब से ही सोते हैं। प्लीज भाई उनके साथ अन्याय मत कीजिए, उनके लिए हम छोड़ देंगे जरूर भाई। आज शाम से ही ग्रैंड सेलिब्रेशन करके हमारे इस बदलाव को आपको तोहफे के रूप में दे देंगे भाई। यूं कहा तब पटवारी, अच्छा निर्णय लिए, जाओ एक और बार तुम्हें पीते देखे तो अच्छा नहीं होगा। पप्पू, ठीक है भाई, मैंने बात बोल लिया तो वो मेरी जबान है भैया। भैया केक ऑर्डर करना है ना, पैसे जमा करने होंगे, मैं चलता हूँ भैया। कहकर निकल रहा था तो उन्हें बुलाकर पटवारी केक के पैसे दिया। तब वे लोग वो पैसे लेकर बेकरी जाकर एक केक ऑर्डर किए। बेकरी में मौजूद पप्पू का दोस्त बिजू को 50 रुपए देकर केक तैयार करने बोला। बिजू, रे मेरे पिताजी हिसाब के पक्के हैं, 50 रुपए में नहीं होगा। ऊपर से पटवारी से 10,000 लेकर ये 50 रुपए क्या है रे। तब पप्पू, अरे हाफ माइंड, उसका दिमाग नहीं है, तुम्हें भी नहीं है क्या। चुपचाप अपना दिमाग का इस्तेमाल करो। एक बड़ी थाली लो, उस पर एक और बर्तन लगाओ, उसके ऊपर तुम्हारे पास बचा हुआ क्रीम है वो ऊपर लगा दो, 2-4 चीजें ऊपर डाल दो, केक जैसे डेकोरेशन कर दो। बस वो जब इसे कट करने की सोचे, वहाँ छोटा 10 रुपए का छोटा टुकड़ा सेट कर दो। वहाँ कट करने के बाद बाकी के पैसों से हम पार्टी करेंगे। यूं कहा। इसे बिजू फंक्शन करने वाले जगह पर आकर बर्तन रखकर क्रीम डालकर केक बनाना शुरू किया। ऐसे कुछ देर बाद केक बनाना पूरा हुआ तो फ्रेंड्स बिजू की प्रशंसा किए। इतने में पटवारी अपने आदमियों के साथ वहाँ आया। उसे देखकर पप्पू और उसके दोस्त हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, यूं गाने लगे। वो देखकर पटवारी खुश होकर केक कट करने के लिए केक के पास आया। पप्पू उसे चाकू दिया। पटवारी वो केक को कट करने की देखा तो वो जोर से लगा। वो देखकर पप्पू, भैया ये पूरा ड्राई फ्रूट से बनाया भैया, इसलिए घट होगा, ऊपर से आप रॉन्ग प्लेस पर कट किए भैया। कहकर वो केक को ऊपर उठाकर वो छोटे केक के टुकड़े की ओर घुमाया। अब वो केक के डब्बे को देखकर पटवारी, रे ये क्या, कोई बर्तन की तरह है, कहकर वो देखता। तब तक पटवारी के साथ आने वाले दोस्त हंसने लगे। तब पप्पू से पटवारी, शराबी कमीनो, मुझे ही धोखा दोगे, क्रीम डालकर बर्तन लाकर मुझे ही धोखा दोगे, ऊपर से ड्राई फ्रूट्स का है इसलिए कट नहीं हो रहा है बोल रहे हो, कमीनो। यूं कहा। तब पप्पू, सी प्रेसिडेंट, डोंट ट्रबल द ट्रबल, इफ यू ट्रबल द ट्रबल, ट्रबल ट्रबल्स यू। शराबी से पंगा लोगे तो ऐसे ही होगा। प्रेसिडेंट हो तो हमारे इस हक को चुराने की कोशिश करके तुमने बड़ी गलती की, इसलिए ये जस्ट फाइन दिए। ये पैसे लेकर बार में भरकर तुम्हारे पाप धोएंगे, चलो रे। कहकर चले गए। उन्हें पटवारी ऐसे ही शौक से देखने लगा।